जय गुरु। चलिए आज परम ब्रह्मा श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन की कुछ झलकियाँ के ऊपर आलोचना करेंगे। आविर्भाव भविष्यवाणी। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, आर एक बार आस्ते हो गए ताई पार्षद देर सब ज्ञान दिछीना, अर्थात एक बार फिर मुझे आना होगा, इसलिए पार्षदों को समस्त ज्ञान प्रदान नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावे वे और भी बोले थे, कालीर शेष कल की अवतार होवे ब्राह्मणर छेले, काल के अंत में कल की अवतार होगा ब्राह्मण का लड़का। कथामृत चार भाग से संग्रहित। शुभ जन्म वृत्तांत। वर्ष 1295 के 30 भाद्र ताल नवम तिथि 14 सितंबर 1888 दिन शुक्रवार को सुबह 7:05 पर श्री ठाकुर का जन्म हुआ है। पिछली रात्रि शेष होते न होते माता मनमोहिनी देवी की तबीयत कैसी लग रही थी, लेकिन साधारण रमणी की तरह उन्हें कष्टदायक प्रसव वेदना नहीं हुई थी। वे मूर्छित या तंद्रागत अवस्था में थी। हठात एक अग्नि झलक छटा की उज्ज्वलता में सभी की तंद्रा भंग हो गई। चकित होकर विस्फारित नेत्रों से प्रसूति की तरफ सभी की दृष्टि गई। सभी ने देख पाया एक पुत्र संतान भूमिष्ठ हुई है। भूमिष्ठ होते ही संतान संभवतः रोती है, पर इस अद्भुत अति मानव ने क्रंदन नहीं किया, केवल शांत भाव से इधर उधर देखता रहा। अन्नप्रसन्न। शिशु के अन्नप्रसन्न का आयोजन था। खूब धूमधाम के साथ बहुत लोगों को नियंत्रण किया गया। शुभ मुहूर्त में पुरोहित जी ने शास्त्र एवं देश की प्रथा अनुसार शिशु के हाथों में मुद्रा प्रदान किया, पर बालक ने किसी भी तरह से मुद्रा को स्पर्श नहीं किया, लेकिन पुरोहित जी द्वारा दी गई मृतिका को स्पर्श किया। यह देखकर ब्राह्मण पंडितों ने कहा, शिशु त्यागी होगा। कागज प्रदान करने पर उसे शिशु ने उसे ग्रहण किया। पंडित ने कहा, शिशु विद्यालाप करेगा। जय गुरु।